बीजेपी पर आक्रामक दिख रही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर घर तोड़े गए हैं उस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने निशाना साधते हुए बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की जो सरकार थी पहले स्कूल और अन्य लोगों के बुलडोजर चलाते चलाते अब तो दलित पिछड़े आदिवासियों के लोगों पर भी बुलडोजर चलाना शुरू कर चुकी है और खासतौर से जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे उन लोगों के ऊपर भी अब मध्य प्रदेश की सरकार है वो बुलडोजर चला रही है, ऐसी काफी ज्यादा गलत है। यह बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से आज ट्वीट करते हुए कहा है। बीएसपी अध्यक्ष ने जो ट्विटर पर लिखा है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश सरकार की विध्वंसकारी द्वेषपूर्ण बुलडोजर राजनीति लोगों के घर व स्कूल तोड़ते तोड़ते अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान भी तोड़ने लगी है जो अति निंदनीय है। इसी क्रम में सागर जिले में पीएम योजना के तहत बने 7 दलित परिवारों के घरों का ध्वंस शर्मनाक घटना है। यह आपको बता दें कि आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत बने गरीबों के घर भी बीजेपी की सरकार है वो तोड़ने पर लगी है जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा इस बयान पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर।